अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुना नहीं तुमने हेदू? मैंने कहा ना इसे यहाँ से ले जाओ। कहाँ ले जाऊंगी? ये घर रवि का भी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रवि मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है। और आपने भी तो रवि को अपना बेटा माना था और अभी ऐसी बातें कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रवि अकेला रहता है, जरा तो सोचिए कि इसका ख्याल कौन रखेगा। ये इसने पहले सोचना चाहिए था हेदू। हमसे गद्दारी करते वक्त, उस दुआ का साथ देते वक्त शर्म नहीं आई इसे? इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हिना, इतना सख्त रवैया भी ठीक नहीं होता। कुछ दिन की तो बात है और फिर रवि इस घर का बच्चा भी है। माफ कीजिए राहत साहब, आप इस मामले में नहीं बोले तो बेहतर होगा। वैसे भी आपको इंसानों की परख जरा भी नहीं है। उस दुआ को आपने बेटी माना था, क्या किया उसने? हमारे खानदान को तबाह कर दिया। अब इसमें आपको घर का बच्चा नजर आ रहा है? न जाने इसके यहां आने से कौन सा नया तूफान आने वाला है। ये इस घर में नहीं रह सकता। कह दिया सो कह दिया। क्यों नहीं रह सकता? आखिर रवि ने इतना गलत क्या किया, मुझे बताइए, क्यों नहीं रह सकता? बहुत कुछ किया है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। इसने हमें दुख पहुंचाने में दुआ का पूरा पूरा साथ दिया। इसकी तो सूरत ही मुझे जहर लगती है। काम करता है दुकान पर और टांग अड़ाता है घर के मामलात में। तनख्वाह लेता है आपसे और मुंहजोरी भी आप ही से करता है। आप पता नहीं इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं हैदर। दुआ ने भाई भाई का नारा लगा रखा था हैदर, इसीलिए इस नौकर को इस घर में कोई कुछ नहीं कहता था। अब दुआ जा चुकी है, इसीलिए इस नौकर की भी इस घर में कोई जगह नहीं है। और हैदर, अगर आपको इसकी हालत पर इतना तरस आ रहा है तो इसे किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर दीजिए या इसके घर में कोई अच्छी नर्स रख दीजिए। उसकी तनख्वाह हम दे देंगे, लेकिन इसे इस घर में जगह नहीं देंगे। तुम इंसान हो या हैवान? कितनी बार मैं समझा समझा के थक गया तुम्हें कि रवि की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। और तुम होती कौन हो मुझे इजाजत देने के लिए कि रवि कहां रहेगा और कहां नहीं? रवि कोई नौकर नहीं है, मेरा दोस्त, मेरा भाई भी है। हर दुख तकलीफ में उसने मेरा साथ दिया, जो मेरा साथ देता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता कजा। और इस हालत में मैं रवि का साथ छोड़ने वाला हूं नहीं। कान खोल के सुन लो सब, रवि इसी घर में रहेगा। चलो रवि। नरम दिली दिखाना बंद कीजिए हैदर। ये आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं है? साफ साफ कह दीजिए ना कि आप इसे घर में क्यों रख रहे हैं। आप इसे इस घर में सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि ये दुआ का मुंह बोला भाई है। बहाने मत बनाइए हैदर, सबको सच सच बता दीजिए कि आप दुआ से आज भी मोहब्बत करते हैं।
इसीलिए दुआ से जुड़ी हुई हर एक चीज को अपने करीब रखना चाहते हैं, और इसीलिए इस पालतू चूहे को इस घर में लेकर आए हैं जो दिन रात दुआ के आसपास तुम हिलाता रहता है। अपनी जहरीली जबान बंद करो गजर, वरना मजबूरन मुझे तहजीब के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। हफीज, क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम इतने गुस्से में किससे बात कर रहे थे? जवाब दो। बाजी, मैं अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा, वो क्या है, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो मम्मी के लिए कुछ दवाएं ऑर्डर करनी है, तो तुम मुझे अपना फोन दे दो। बाजी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ दवाइयाँ। हाँ, पर मुझे खुद के लिए भी कुछ ऑर्डर करना है तो। बाजी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, सब कुछ मैं ऑर्डर कर दूंगा। हफीज, कुछ लड़कियों की जाती चीजें भी होती हैं, वो भी मंगवानी है, अब वो सब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अपना फोन दो ना, इतना क्या सोच रहे हो? शुक्रिया। हफीज कायनात से बात कर रहा था, फिर हफीज ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा है दोनों के बीच? हर दुआ में तेनू मंगदा, करब्बा जानदा, रब्बा जानदा, तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।